हेलो गाइज, क्या हाल चाल। हम लोग आ चुके हैं एक बार फिर से एक और डायसन स्पेयर प्रोग्राम की वीडियो के साथ में। सो गाइज, लास्ट टाइम फाइनली अपन ने ग्रीन रिसर्च तक अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर लिया था और अब भी तो गेम में नेक्स्ट लेवल अपने को मजा आने वाला, क्योंकि आज अपन करने वाले गाइज सेटअप स्पेस रैपर का और फिर जाएंगे अपन दूसरी वाली गैलेक्सी के अंदर। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले यार अपने को काफ़ी सारी रिसर्च करनी है एंड थोड़ा सा मैनेजमेंट यहाँ पर अपने को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो चल के भाई अपन रिसर्च एक्टिवेट करने वाले, उसके बाद देखेंगे बाकी आज अपने को क्या क्या स्टेप्स करने हैं और किस तरह से अपने को आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते गाइस रिसर्च पे। और मेरे को जो सबसे पहली रिसर्च करनी है ना भाई, वो करनी है सबसे पहले तो मैका के लिए। तो एक्चुअली इससे क्या होएगा कि मैका की ना 1.6 गीगाजूल मैक्स कोर एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, लेजर वेपन की रेंज और ये सब डैमेज वगैरह एचपी वगैरह सब इंक्रीज हो जाएगा यहाँ से। तो मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी अपना जो कैप्चर टेन गाइस 1.60 मेगाजूल है, गीगाजूल सॉरी, तो अभी ये हो जाएगा गाइस 3.2 गीगाजूल। तो अपन बहुत सारा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत अपने को पड़ेगी जब भी अपन स्पेस रैपर का यूज़ करेंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा पावर वो कंज्यूम करता है, जिससे कि अपन दूसरी वर्ल्ड गैलेक्सी में पहुँच सके एकदम हाई स्पीड से। तो यहाँ पे अब भी अपना ये वाला रिसर्च स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद में भाई अपन क्या करने वाले, ये वाले के लिए तो खैर यूनिवर्स मैट्रिक्स चाहिए, जो कि एकदम बाद में आएगा, भी नहीं आएगा। इसके बाद में मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा नीचे चलते हैं और यहाँ पर गई एनर्जी सर्किट। तो इससे होगा क्या कि 800 किलोवाट मेगा की फ्यूल पावर इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि अपन ज़्यादा फास्ट जो फ्यूल बर्न कर पाएंगे मैका के अंदर, और फिर उससे ना चार्जिंग अपनी बढ़ जाएगी। तो जैसे कि मैका के अंदर अपन कुछ भी ये फ्यूल रोड्स वगैरह जल रही है ना, तो इसकी एक लिमिट होती है जलने की। जैसे कि यहाँ पे आई थिंक कहीं पे लिखा होगा तो मैं देख के बता सकता हूँ, मैका के यहाँ पे शायद से मैका को, यस फ्यूल चैम्बर पावर है गाइस जिसका आई थिंक 1.60 मेगावाट। इस रफ्तार से जो है गाइस ये चार्ज कर सकता है, तो इसमें 800 मेगावाट और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2.4 मेगावाट। ठीक है, तो इतनी रफ्तार अपनी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी ऑल्सो नेक्स्ट वाली रिसर्च करने के बाद में। तो यहाँ पे मैंने दो रिसर्च ऐड करवा दी, एक ये वाली और एक ये वाली। इसके अलावा देखते हैं और कौन सी जो है रिसर्च अपने को पहले करवानी चाहिए। इसके बाद में मे बी ड्राइव इंजन, यस, क्योंकि इससे ना रैप करने की अपनी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो डेफिनेटली भाई इसको लेंगे अपन। एंड ऑल्सो सील्ड इसके बाद में। तो ये कुछ एक रिसर्च है जो अभी अपन करने वाले हैं। एंड इसके बाद में शायद अपन ले सकते हैं गाइस यूनिवर्स एक्सप्लोरेशन, जिससे कि अपन पूरे यूनिवर्स के अंदर किसी भी मतलब गैलेक्सी के अंदर अपन रिसोर्सेज देख पाएंगे। तो इसके बाद में ये वाली एक्टिवेट कर लेता हूँ। इसके बाद में बहुत सारी रिसर्च अपने पास, काफ़ी बढ़िया बढ़िया। फिर नेक्स्ट में जाने वाला हूँ गाइस इन्वेंट्री कैपेसिटी के लिए, जिससे कि अपनी इन्वेंट्री की कैपेसिटी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके बाद में ये वाला भी अपन करवा सकते हैं, मैक्सिमम मूवमेंट स्पीड। तो एक सेकेंड रुको, कम्युनिकेशन कंट्रोल, यस, दो कंस्ट्रक्शन ड्रोन अपने पास आ जाएंगे यार, ये वाला भी हम करवा सकते हैं। या फिर ये वाला रिसर्च चल रहा है क्या अपना, यस ड्रोन इंजन, ओके। तो जो अपने कंस्ट्रक्शन ड्रोन की फ्लाइट स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। खैर रुको, अभी इससे बेटर भी अपने पास बहुत सारी रिसर्च है भाई, वो करेंगे पहले। ठीक है ना, यहाँ पर चलते गाइस। एक तो मेरे को अपना इंक्रीज करना डैमेज, ठीक है, यहाँ से। नेक्स्ट है एक्सप्लोजिव वेपन डैमेज, तो ये होगी काफ़ी सारी रिसर्च। इसके बाद में ग्राउंड स्क्वाड्रॉन्स अपन इंक्रीज कर सकते हैं, फिर फ्लीट एक्सपेंशन कर सकते हैं एंड प्लेनेटरी शील्ड। इसके बाद में ये तीन रिसर्च और करने वाला हूँ मैं, तो देखते हैं इन सबको होने में ना काफ़ी टाइम भी लगने वाला है। और अभी अपना जो पावर का थोड़ा लफड़ा चल रहा है उसको अपन चाहें तो सोल्व कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे भी मैंने अभी तक इनफ लैब्स नहीं बनवाई हैं, तो अभी थोड़ा स्लो प्रोडक्शन चल रहा है अपना। बाकी आज का मेरा सीन ये है कि अपन ने लास्ट टाइम कुछ एक मशीनें बनवाई थी, ठीक है, आज अपन उनको उठाने वाले हैं, थोड़ा सा जुगाड़ यहाँ पर सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहेगा अपना, यहाँ पे बहुत सारे माइनर्स हैं अपने पास, तो ऐसा करते हैं कुछ एक को डिलीट करवाते हैं और अपने हब से कुछ एक उठाते हैं। ठीक है, तो यस यहाँ से देख रहे हो अभी अपनी रिसर्च हो चुकी है और अपनी एनर्जी जो है यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। अगर रिसर्च पे चल के देखें मैकअप पे, तो अभी अपन 3.20 गीगाजूल तक भाई एनर्जी जो है स्टोर कर सकते हैं। तो अभी फटाफट चार्ज होके और एनर्जी स्टोर करना स्टार्ट करेगा, अगर मैं यहाँ पर सीधे दबा के दिखाऊँ तुमको। ठीक है, तो यहाँ से ये फटाफट से चार्ज करेगा आई थिंक कोर एनर्जी 300%, चल 6.48 मेगावाट की रफ्तार से जो अभी चार्ज हो रहा है भाई ये। ठीक है, माय गॉड, फ्यूल पावर जनरेशन और कोर पावर जनरेशन, ठीक है, नेक्स्ट लेवल। ओ अभी अपन चलते हैं, हाँ मेरे को जाना था हब पे गाइस, तो हब है अपना यहाँ पे। और अपन ने यहाँ पे स्पेशल मशीनों का सेटअप करवाया था, ठीक है, इधर देखते कितनी बन चुकी है यहाँ पे। ओ भाई 55 बन चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, ये उठाने से पहले मेरे को चलने का है गाइस, आई थिंक एक स्लॉट मैं इसका रख लेता हूँ। एक सेकंड रुको, क्या मैं इसको यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। ओ नाइस, तो मेरे को ये निकालना है इधर से, इस पर चलते हैं और यहाँ से सारी सारी उठा के मैं रख लूँगा गाइस ये वाले स्लॉट में।
तो एक स्लॉट मैंने इसके लिए फिक्स कर लिया। ऑल्सो इन्वेंटरी के अंदर पता नहीं एक स्लॉट के अंदर कितना रख सकता हूँ, 20 रख सकता हूँ क्या ओनली? ओके, हाँ 30 रख सकते हैं। ठीक है, इसको लेके आता हूँ यहाँ पे और ये लॉक कर लेता हूँ, प्लस इसको वापस रख देते इधर। ठीक है, दूसरा मेरे को ये वाले माइनर की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को। तो अपन जाने वाले ये वाले माइनर हम कहाँ पे बनवा रहे थे गाइस? आई थिंक यहाँ पे। तो यहाँ पे चल के और मैं ये वापस रखवा देता हूँ, ठीक है, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इधर रख देते और मैं भी एक स्लॉट में रख लेता हूँ। एक स्लॉट के अंदर कितना आ जाता है? बस 50 आएगा शायद से। चलो एक स्लॉट रख लेते हैं, इन्वेंटरी में पड़ा रहेगा। बाकी वहाँ पे चल के और उसकी लिमिट वगैरह वो सब अपन कम कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे सीन क्या रहेगा कि जैसे कि यहाँ पे अपन ने काफ़ी सारी स्टेशन बनाए हुए हैं, ठीक है, अभी इन स्टेशन की एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे काफ़ी सारा कॉल भी भरा हुआ अपने पास। ओके, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये सब लाइनें कर रहा हूँ गाइस डिलीट। ठीक है, अभी इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। बाकी ये वाली स्टेशन से तो चला ही जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि सारा सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो चुका है, तो ये सब भी बनवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब भी डिलीट कर दो भाई। और इसके अंदर पावर होगी ना? यस, लेट्स गो, ये सब भी डिलीट करना है क्योंकि मेरे को ये एक्सपेंड करना है और अपना जो पावर का इशू आ रखा है उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो एफिशिएंसी अपनी बहुत ही ख़राब चल रही है। यहाँ पे 2.5 आई थिंक गीगावाट, यस गीगावाट पावर अपने को चाहिए यहाँ पे, तो अनदर लेवल चाहिए भाई पावर। तो खैर चलो, आई थिंक डिलीट, ये सारा का सारा डिलीट कर देता हूँ मैं। ऑल्सो ये सारा का सारा डिलीट होना गाइज अपना, प्लस ये सब भी निकाल देता हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या ये पावर से कनेक्टेड है? हाँ ठीक है, पावर से कनेक्टेड है ये वाला, ग्रेट। और यहाँ पे स्टील का बच गया है कि? ओ कोई बात नहीं, थोड़ा सा पड़ा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं इसको रहने देते हैं, इसको एक काम करते हैं डाउन कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को एक्चुअली। तो यहाँ पे चल के अभी मैं बनाने वाला हूँ भाई एडवांस माइनिंग मशीन। तो माइनिंग मशीन अपने को यहाँ पर मिलेगा माइनिंग एरिया पर, और यहाँ पर रही एडवांस माइनिंग मशीन, और ये काफ़ी ख़तरनाक मशीन है गाइस। ठीक है, अगर मैं रोटेट करवा के इसको यहाँ पे बनवा दूँ कहीं पे, तो ये लगभग इतनी सारी बीन्स को जो है हैंडल कर लेगा। और अभी ये 1512 पर मिनट गैदर कर सकती है गाइस ये वाली मशीन, बट इसको काफ़ी ज़्यादा पावर भी चाहिए रहेगी। लेट्स गो, इसको पावर देंगे अपन पावर पोल से यहाँ पे। ठीक है, देखना कितनी कमाल की मशीन है। और यहाँ पे करीब करीब 1000 के आसपास पर मिनट जो है गैदर करता रहेगा यहाँ से। ठीक है, एंड क्या मैं इसके अंदर से उठा के ये इसके अंदर फिल कर सकता हूँ? नहीं, वो हाँ फिल कर सकते भाई, नाइस। तो ये पूरा पूरा 5000 कलेक्ट करेगा। ठीक है, अभी खैर इसने ऑलमोस्ट मैंने इन्वेंट्री फुल कर देने से रफ्तार स्लो हो गई है। तो इसका सबसे बेस्ट सीन क्या है गाइस? कि अपने को ना ही कोई लाइनें बनाने की ज़रूरत है, ना ही कुछ ये वाले स्टेशन प्लानेटोलॉजी स्टेशन बनाने की ज़रूरत है, ना ही ड्रोन्स की ज़रूरत है। तो सिंपली होगा क्या कि जिस जहाँ पे भी अपने को कॉल की ज़रूरत होगी, जैसे कि मान लो कॉल की ज़रूरत पड़ रही गाइस यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ड्रोन्स है ना, ये खुद से जाएंगे इसके अंदर और यहाँ से पिक करके आ जाएंगे तो अपने को सिंपल भाई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल सा सेटअप अपना यहाँ पे हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे भी अपनी एक मशीन पड़ी हुई है, तो इसको भी अपन ऐसा ही करने वाले। चल के ये सारा का सारा रिमूव, यहाँ पे मेरे पास इन्वेंट्री में काफ़ी आ चुका है। ओके, जस्ट गिव मी सेकेंड, यहाँ पे भी चल के अपन एक मशीन और डालने वाले हैं, तो लेट्स गो। एंड मल्टीपल बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं भाई, सिंगल के अंदर लगभग आ जाता है लगभग। ठीक है, सिंगल के अंदर हो जाता है अपना हैंडल। बाकी इसके अंदर चल के ये वाला सारा का सारा उठवा के फिल करवा देता हूँ मैं, क्योंकि वैसे मेरे पास पड़ा ही रहेगा। चलो भाई, सारा सारा कलेक्ट हो गया, लेट्स गो, इसके अंदर फिल कर दो एंड इसको देते गए इस पावर। एंड इसके अलावा बहुत कुछ है भाई इस मशीन के अंदर। ठीक है, क्या ये वाली मशीन? अच्छा, यहाँ से कनेक्ट नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट कर दो भाई। इसके अलावा मेरे को लग रहा है ये देना ही पड़ेगा बीच में। ठीक है, पावर कनेक्टेड है, यस, ऑलमोस्ट 1000 की स्पीड से गैदर कर रहा है। ठीक है, मैं इसकी रफ्तार और भी फास्ट कर सकता हूँ। देखो अभी ये 2 आई थिंक मेगावाट समथिंग, 3 मेगावाट के आसपास पावर लेगा, राइट। अगर मैं इसका यहाँ से माइनिंग की स्पीड इंक्रीज कर दूँ, तो ये देखो भाई इतना रफ्तार से जो भी गैदर कर रहा है, ठीक है, बट पावर कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया अपना, 20 मेगावाट एक ही मशीन ले रही है। तो इसको वापस 100 पे कर देता हूँ ताकि स्लो हो जाए, और कोई नहीं, स्लो गैदरिंग अपन करवा सकते हैं, जैसा भी जरूरत पड़े अपने को वैसा सेटअप अपन यहाँ पर कर सकते हैं ईजी। ठीक है, ईजी लाइफ हो जाएगी अपने यहाँ पर। तो ये यार मेरे को काफ़ी बेस्ट लगा, एंड अभी अपन कहीं से भी रिसोर्सेज जो गैदरिंग वगैरह वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, तो ये काफ़ी काफ़ी कमाल की मशीन है। तो चलो भाई, मशीन तो कमाल की है, अभी अपन नेक्स्ट चल लेते हैं। आई थिंक अपने को थोड़ा सा बैटरी और सेटअप जो एक्सपेंड करवाना है, ताकि अपनी जो पावर का प्रॉब्लम आ रहा है गाइस वो सोल्व हो जाए थोड़ा सा। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे बैटरियों का सेटअप कर दिया, कनेक्ट भी कर दिया, अभी चल के देखते हैं पावर का क्या सीन है। 100% पे ऑलमोस्ट पहुँच गया गाइस। ठीक है, तो करीब 1.5 गीगावाट अपन यहाँ से जो है पावर ले रहे हैं, और लगभग अपने लावा प्लेनेट पे इतनी पावर जनरेट हो रही होगी शायद से जितनी अपन यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं भाई तो ये तो अनदर लेवल सीन यहाँ पे चलेगा।
खैर अपना थोड़ा पावर का सॉल्यूशन हो गया है तो अच्छी बात है। तो यहाँ से कुछ यूज़ हो रहा है, देखते हैं अगर कोई ड्रोन यहाँ से लेके जा रहा है। तो वैसे फिलहाल तो आई थिंक मेरे को लगता नहीं कोई कॉल की मशीन चल रही होगी। ठीक है, तो अभी अपनी खैर रिसर्च वगैरह सब स्टार्टेड है, तो अभी अपन जाने वाले और अपना एक लास्ट प्रोडक्ट बचा था गाइस स्पेस रैपर बनवा लेते, उसके बाद अपन यहाँ का जो एकदम कंप्लीट सेटअप करेंगे और उसके बाद जाने वाले दूसरे वाली गैलेक्सी के अंदर। ठीक है, तो एक बार यूनिवर्स वाली अपनी रिसर्च हो जाएगी ना, फिर अपन दूसरी गैलेक्सी के अंदर भी देख सकते हैं इजीली। फिलहाल अपन थोड़ा पास तक ही देख पाएंगे। तो कौन सी वाली गैलेक्सी थी जिसके अंदर आवाज अपने को जाना है गाइज? आई थिंक ये वाली थी क्या, ग्रेटिंग क्रिस्टल सिलिकॉन? नहीं, ये यहाँ पर थोड़ा ही स्लो का होना। वैसे आई थिंक यहाँ पे जाना था अपने को। ठीक है, यहाँ पे फायर आइस भी है, किम्बरलाइट और भी है यहाँ पे। यहाँ पे 19 मिलियन सिलिकॉन और पड़ा हुआ, 19 मिलियन। ठीक है, तो डेफिनेटली इसको मैं लॉक कर लूँगा और आज अपन डेफिनेटली वहाँ पे जाएंगे। तो चलो भाई फटाफट से स्पेस रैप पर जो लास्ट प्रोडक्ट अपना, उसको आज अपन बनवा लेते हैं। और यहाँ पे अपनी काफ़ी ज़्यादा पावर भी जो गई स्टोर हो चुकी है नेक्स्ट लेवल। ओके, एंड अपने पास स्पेस रैपर तो थे ही काफ़ी ज़्यादा, और मेरे पास इन्वेंटरी में थे क्या कुछ? यस, इन्वेंटरी में थे मेरे पास। ठीक है, ग्रेट। ऑल्सो नेक्स्ट लेवल वाली मिसाइलें तो खैर मैंने नहीं बनवाई गाइस अभी तक। ओके, तो वो भी अपन जल्दी बनवा लेंगे, नो प्रॉब्लम। बाकी मैं यहाँ से चलता हूँ और अपने को लेके आना गाइस यहाँ से आई थिंक एक लाइन लेके आना। ठीक है, सिंपल। ओ नाइस, तो यहाँ से अपना रैपिंग की स्पीड इंक्रीज हो चुकी है 3 AU। ठीक है, तक इंक्रीज अपनी हो चुकी है, परफेक्ट। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे और इसको स्प्रे भी करवाएंगे। भाई स्प्रे करवाना तो ज़रूरी है, तो स्प्रे तो हमने मंगवाया नहीं यहाँ पे, तो चल के स्प्रे मंगवा लेता हूँ मैं यहाँ पे। 300 डिमांड कर लेंगे, तो यहाँ पे अपना स्प्रे आ जाएगा। और मेरे हिसाब से एक लाइन इनफ रहेगी क्या इसकी? पता नहीं, देखना पड़ेगा भाई कितना बनता है ये। ठीक है, लेट्स गो, इधर स्प्रे हो जाएगा अपना, ग्रेट। उसके बाद अपन चलेंगे गाइज यहाँ पे, एक अपने को असम्बलर चाहिए, लेट्स गो। एक फ़िलहाल मैं करवा के देख लेता हूँ सिंगल लाइन से। तो इसकी एंट्री हो जाएगी यहाँ से, और यहाँ पे अपने को गाइज बनवाने का ये वाला। ठीक है, तो 10 सेकंड में मतलब 6 बनता होगा शायद से, फिर ये देख लेंगे अभी थोड़े दिन पता चले जाना। खैर, तो यहाँ से जाएंगे इधर, क्या यहाँ पे रिसोर्सेज है? नहीं, तो यहाँ पे मेरे को डिमांड करने का है। ओके, क्या अपना सारा यूज हो गया होगा? ओ माय गॉड, तो यहाँ पे भी अपने को क्यूब से ही गाइस, और जो कि मेरे को लगता नहीं जल्दी आ पाएंगे। राइट, डिमांड तो खैर मैंने करा हुआ है, क्योंकि अपने ये वाला पास में पड़ रहा है ना, तो यहाँ पे वो सारा का सारा डिमांड कर लेगा। तो मैं फ़िलहाल के लिए क्या करता हूँ, एटलीस्ट यहाँ पे 2000 जो है निकाल लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, टेम्परेरी। और हम लोग कहाँ पे सेटअप कर रहे हैं? यहाँ पे। वो वैसे आ रहा है थोड़ा थोड़ा रिसोर्सेज करके, लेकिन फिर भी मैं 2000 यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, ताकि यहाँ से रिसोर्सेज अपना आ जाए और अपन टेस्टिंग कर पाएँ इजी इजी लाइफ। राइट, ओके, ओ नाइस, एनर्जी शील्ड वगैरह और इंक्रीज होगी, परफेक्ट। तो यहाँ पे चलते हैं, क्यूब डालेंगे और ये भी एक छोड़ के एक आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को टेस्ट करना है क्या ये सारी की सारी मशीन यहाँ पे ट्रिपल पे आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कई कई बार एक पे नहीं यार, क्या वो बग था जो अपन ने लास्ट टाइम नोटिस करा था? लेट्स सी, स्टिल ट्रिपल है यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं, वैसे 6 ही बनेगा क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है ना, दैट्स वाई। और यहाँ पे थोड़ी पावर फिर से अपनी गई है, खैर चलता है इतना तो। आई थिंक गाइस ये बग ही है शायद से इसका। ठीक है, जो अपने लास्ट टाइम एक्सपीरियंस करा था कि एक पे स्प्रे नहीं दिख रहा है अपने को, राइट, वो वाला शायद से बग था वो। ओके, जे वाला स्लॉट, इस पे 3, इस पे 2 और इस पे 3। ओके, हाँ यहाँ पे 2 आया भाई अब की बार। तो यार ये तो क्या ये भी डबल बार करवाना पड़ेगा मेरे को स्प्रे? लेट्स चेंज द प्लान। ओके, तो इसको उठाएंगे एक बार और अपन डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसको अप करेंगे यहाँ पे कहीं पे लेके आएंगे, इधर से इधर और इधर से इधर। मैं डबल बार स्प्रे करवाऊंगा भाई अब की बार, चलो देखी जाएगी। आई थिंक थोड़ा सा अपना ब्लूप्रिंट बड़ा हो जाएगा, बट कोई सीन नहीं है क्योंकि अपने को एक्स्ट्रा ही चाहिए ऑलवेज, इसको अपन वेस्ट नहीं कर सकते। तो मैं इसको एक्सपेंड करवा देता हूँ गाइस एटलीस्ट यहाँ तक, क्योंकि 6 बना रहा है ना ये। तो आई थिंक 10 मशीनें यहाँ पे बनवा लेता हूँ मैं, कैसा रहेगा? यहाँ से आई थिंक कितना हो गया, 8 मशीनें हो चुकी है, तो थोड़ा सा और एक्सपेंड करना पड़ेगा मेरे को ये एटलीस्ट यहाँ तक। आई थिंक इतने में काम हो जाएगा अपना, लेट्स गो। एक तो ठीक है, डन, इधर से क्रॉस करते हैं और ऑल्सो ये वाला भी। तो अभी यहाँ तक अपना 60 बनेगा और इसके अपोजिट एक लाइन और बनवा देता हूँ। ठीक है, जस्ट सिंपल सी बात है, 1, 2, 3 एंड फोर्थ पे जो है हम लोग वापस आ जाएंगे, ग्रेट। यहाँ पे कहीं पे और इसके अंदर, और इसको करवाएंगे गाइस रोटेट, और मे बी नहीं रोटेट नहीं करेंगे इसको, इसको कॉपी करके पहले यहाँ पे डाल लेता हूँ मैं। और नाइस, नेक्स्ट रिसर्च भी अपनी हो चुकी है, परफेक्ट। तो वहाँ तक अपने जाएंगे नहीं, इतने अपना जो मेन रिसर्च है भाई वो भी हो ही जाएगा।
तो चलो नेक्स्ट इसके अंदर चलेंगे अपन और सेंटर से परफेक्ट आई थिंक चल चुकी होगी ये मशीन। ये नाइस, अभी अपने को फुल रफ्तार से मिलने वाला रिसोर्सेज यहाँ पे, कभी कमी नहीं पड़ेगी अपने को। 120 इनफ है भाई, ठीक है जरूरत पड़ेगी तो और डाल देंगे बाद में। चलो भाई बना दो, नाइस। चलो भाई पावर कहाँ तक आ रही है अपनी, यहाँ पे फिर यहाँ पे एंड ऑल्सो इधर। चलो भाई सबके अंदर पावर है और यहाँ से स्पेस रैपर बन के आने स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ से सप्लाई पे मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो अब अपने को सीन यहाँ पे क्या करना, और यहाँ पे देखो भाई अब रफ्तार बन चुकी है, ठीक है ना। अब रफ्तार गाइज यहाँ पे बन चुकी है स्पेस रैपर बनने की, ठीक है परफेक्ट। तो अभी अपन चलेंगे अपने हब पे और किसी ना किसी एक पे चल के अपन सेट करने वाले हैं, जैसे कि जे वाला फ्री पड़ा हुआ है क्या, नहीं जे वाला, यस ये वाला फ्री पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ गाइज और स्पेस रैपर राइट, नहीं ये वाला नहीं, क्या मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, बीच में कहीं पे आ जाएगा ये, ओके यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, ठीक है एक सेकेंड। मेरे को कुछ एक एक्स्ट्रा स्टेशन की ना ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, जैसे कि जे वाला, नहीं ये वाला नहीं बना सकते यार, जे वाला राइट, इसको बनवाता हूँ मैं यहाँ पे कहीं पे। और ये वाला गाइज अपना स्पेशली रहेगा स्पेस रैपर्स वगैरह को ट्रांसफ़र करने के लिए, और मैं भी छोटा मोटा सामान जो भी अपन भिजवा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से पावर मैंने कनेक्ट कर दिए, 10 सीरीज इसके अंदर डालो कहीं पे भी जरूरत पड़े तो 100 इसके अंदर ड्रोन्स भी डलवाता हूँ। और नाइस इन्वेंटरी का रिसर्च अपना हो चुका है, परफेक्ट गाइज। अभी अपन काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा रिसोर्स जो स्टोर कर सकते हैं, परफेक्ट। तो यहाँ पे चलते और स्पेस रैपर डिमांड कर लेते हैं यहाँ पे, 10,000 की बजाय मैं यहाँ पे करूँगा 9,000। ऑलवेज अपने को यहाँ पे ज़्यादा ही चाहिए भाई, लोकल डिमांड हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो जितना भी स्पेस रैपर बनेगा वो बॉय 1400 बन गया तो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। ऑल्सो आई थिंक इसके अंदर भी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, लेट्स सी। तो यहाँ पे स्पेस रैपर आ चुके हैं, लेट्स गो, या नाइस इसके अंदर ऑलरेडी फिल हो गया 50, ठीक है। अब ये वाला अपने को ना हर एक मशीन के अंदर फिल करवाने के, जैसे कि इधर, ठीक है, और यहाँ पे भी फिल करवाना है। तुम ऐसा करने वाले हो इन सब के अंदर एक लाइन से कनेक्ट करने वाले हो, इनके अंदर ऐसे नहीं मंगवाने वाले, नहीं तो फिर क्या होगा, स्लॉट्स अपने फ्री नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करूँगा कि एक लाइन हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे सिंपल, ये बात इसके अंदर से अपन स्पेस रेफर निकाल लेंगे। और क्या ये वाली लाइन फ्री मिलेगी मेरे को सारी सारी, लेट्स सी। इसके आगे जस्ट मेरे को बना के लेके चलना, आई थिंक परफेक्ट रहेगा गाइस। ओके तो यहाँ से घूम फिर गाइज मैं आ चुका हूँ वापस, तो ये लाइन जो है गोल गोल घूमती रहेगी यहाँ पर, डन सीन। तो चलो बना दो भाई यहाँ पे, और मैं यहाँ पे चल के स्पेस रैपर डालने वाला हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से स्पेस रैपर जाने वाले और सभी स्टेशन के अंदर ना फिल हो जाएंगे यहाँ पर, जैसे ये फिल होना स्टार्ट हो गया तो यहाँ पर अपना स्लॉट्स भी वेस्ट नहीं होगा, और आई थिंक ये प्लान ज़बरदस्त रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन सबके अंदर स्पेस रैपर सेंड कर सकते हैं, और अब भी यहाँ की जो स्पेस शिप है ना भाई वो दूसरी गैलेक्सीज में जा सकती है यहाँ से स्पेस रैपर का यूज़ करके, तो है ना कितने कमाल की बात, राइट। ओके ओ भाई ये तो 10 गीगा जूल तक एनर्जी स्टोर कर रहा है भाई, 11 गीगा जूल 12 गीगा जूल तक करेगा शायद ये एनर्जी स्टोर नेक्स्ट लेवल। तो चलो अपनी रिसर्च सारी सारी हो चुकी है, माय गॉड नेक्स्ट लेवल। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। तो खैर ये सब तो अपन करवा नहीं सकते, तो मेरे को जाना था गाइस फाइटिंग पे थोड़ा सा, है ना, फाइटिंग पे चलते। खैर ये सब अपन नहीं करवा सकते, ग्राउंड फोर्स के लिए देख लेते, कॉम्बैक्ट ड्रोन यस ये ले लेते हैं, ये नहीं कर सकते। अटैक स्पीड या डेफिनेटली, क्योंकि अपने को ज़्यादा बेस्ट अटैक चाहिए। उसके बाद डेफिनेटली ये वाला ड्यूरेबिलिटी, एयर वर्सिप ड्यूरेबिलिटी परफेक्ट। इसके बाद ग्राउंड वाला जो अपना स्क्वाड ड्रोन्स हैं, जितनी भी मशीन है जिससे अपन ग्राउंड्स पे फाइट करते हैं, उनमें +2 ग्राउंड स्क्वाड ड्रोन्स इंक्रीज हो जाएंगे अपने, इसको भी अपन एक्टिवेट कर लेते हैं परफेक्ट। और यहाँ पे क्या दो दो है क्या भाई, यूनिवर्स मैट्रिक्स, ओके नेक्स्ट लेवल। फ्लीट एक्सपेंशन नाइस, तो ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव जाने वाला, ठीक है। इसको मैं ले रहा हूँ, ओ माय गॉड नंबर ऑफ स्पेस फ्लीट्स, और ये भी क्या था स्पेस फ्लीट्स, भाई ये तो नेक्स्ट लेवल है। क्या लगता है ये ले लेना चाहिए या फिर प्लेनेटरी शील्ड लूँ, पहले शील्ड ले लेता हूँ उसके बाद आई थिंक स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी राइट, यहाँ तक तो खैर अपन कर नहीं सकते। फिर अपने को ये लेना पड़ेगा, कौन सा, ये रिसर्च था ना वो, इसके बाद में ये बात, ये नेक्स्ट लेवल भाई नेक्स्ट लेवल, ठीक है। ये सब क्यों में डाल दिया मैंने, अभी बहुत सारी रिसर्च मैंने क्यों में डाल दिए गए, ये सब होनी अभी तो ठीक है, बहुत टाइम लगने वाला है इनको होने में। फिर अपन जाएंगे वीन की, ये सब करवा दूंगा मैं, ये सब भी करवा लें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी खैर अपनी रिसर्च की रफ्तार फिर से बढ़ चुकी है, अभी अपने पास और नेक्स्ट टास्क क्या करने को, यहाँ पे आई थिंक मैंने सब कुछ सेट कर दिया राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या मंगवा रहे भाई, ये सारे सारे स्लॉट्स बोले अपने, ठीक है। हाँ तो मेरे को ऐसा करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पे भी चल के जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का सेट करा हुआ मैंने, एक सेकेंड, अभी अपन ने स्पेस रैपर किसके अंदर से निकाल रहे, इसके अंदर से राइट, जस्ट क्यों सेकेंड, नाइस एक रिसर्च और हो चुकी है अपनी। तो यहाँ पे हम लोग जाने वाले और यहाँ पे चल के मेरे को ना ये चाहिए,
ड्यूटी एनफील्ड रोड, क्योंकि शायद से आज अपन इसका यूज करने वाले, जो लास्ट एक अपन ने मिस्टेक करी थी ना भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल थी जब अपन फाइट करने गए थे, जिसकी वजह से लूज हो गया था ना, वो इंजन के अंदर ये वाला चाहिए भाई फ्यूल, ये वाला फ्यूल उसके अंदर चलेगा, ठीक है। तो इसको अपन करेंगे लोकल डिमांड, तो यहाँ पे काफ़ी सारा आ जाएंगे अपने पास ड्यूटी एनफील्ड रोड, ठीक है। तो वो मैं तुमको दिखा देता हूँ कौन सा वाला इंजन था, वो ये वाला मिनी फ्यूजन पावर प्लांट। टेस्ट करना है पहले ही एक बार टेस्ट कर लेते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ पे चल के मैं इसके अंदर फिल कर सकता हूँ, ये देखो भाई फिल हो गया इसके अंदर फ्यूल, ठीक है। और यहाँ पे कोई अचीवमेंट भी मिल गया मेरे को, परफेक्ट नाइस। तो ये देखो भाई यहाँ पे कितना दे रहा है भाई, ये 15 मेगावाट तक दे देगा अपने को, चार मशीन इनफ है, ठीक है, फाइट करने में परफेक्ट रहेगा अपने लिए। चलो भाई ये सीन यहाँ तक का गाइज अपना हुआ डन, प्लस यहाँ पे क्यूब्स वगैरह पड़े, थोड़ी सी कमी चल रही क्यूब्स की, बट आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे अपनी रिसर्च भी हो चुकी है, परफेक्ट बोलते गाइस। अभी मैं जा रहा हूँ गाइस कहाँ पे ढूंढ रहा हूँ मैं, हब कहाँ पे, थोड़ा सा रिसोर्सेज हम लोग फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ से जो हम निकलने वाले हैं, ठीक है ना, देखता हूँ मैं कितने स्टोर कर सकते हैं एक के अंदर, 300, ठीक है, 300 इन्नफे फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे ये सारे सारे आ जाएंगे। अभी नेक्स्ट सीन मेरे को क्या करने का गाइस, कि यहाँ पे अपनी खैर बहुत सारी रिसर्च होनी है, उसके बाद में यहाँ पे भी अपने पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च है कि ये वाली डेस्ट्रॉयर, ये डेस्ट्रॉयर भी चाहिए यार अपने को ना, कहाँ से डेस्ट्रॉयर अपने पास अभी आ जाता तो ज़्यादा औसम होता खैर, बट ठीक है अभी नहीं है। तो यहाँ पे चलते थोड़ा सा, अभी मेरे को देखना है मेरी इन्वेंटरी में कितना पड़ा हुआ है, ये वाला 150 यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसके अलावा इन्वेंटरी में कितना है यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है, 50 पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये वाला स्लॉट यहाँ से निकालता हूँ, इधर लगाता हूँ, इधर लॉक करेंगे इसको भी, यहाँ से अटैक थोड़ा सा अरेंज कर देंगे। ओके गाइस, तो आई थिंक अभी अपन एकदम रेडी है, मैंने सारे सारे रिसोर्सेज फिल कर लिया है जिस जिसकी ज़रूरत थी यहाँ पे, बाकी अगर किसी चीज़ की कमी रह जाएगी तो फिर वो अपन देख लेंगे बाद में, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो अभी अपना नेक्स्ट प्लान क्या किया, अपन जाने वाले दूसरे वाले गैलेक्सी के अंदर, लेकिन अभी अपनी जो है रिसर्च भी हो चुकी है, जिससे कि अपन कहीं पर भी देख पाते हैं, मतलब कहीं पर भी देख सकते हैं। और वो वाली रिसर्च थी ये वाली यूनिवर्स एक्सप्लोरेशन, तो यहाँ से अभी अपन कोई भी गैलेक्सी के अंदर देखना चाहें वो देख सकते हैं। तो चलो फटाफट से थोड़ा देखते हैं, ठीक है, अभी ये वाला पूरा क्लस्टर अपना, ठीक है, ब्रह्मांड जो भी है। तो यहाँ पे मान लो मेरे को ये वाला स्टार देखना है, तो मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ क्या क्या पड़ा, जैसे यहाँ पे 26 मिलियन पड़ा हुआ रिसोर्स किसी भी स्टार में मैं देख सकता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड भी भाई अपने पास देख रहे हो, सल्फ्यूरिक एसिड की यहाँ पे ओशियन है, प्लस 38 मिलियन यहाँ पे सिलिकॉन और है। ओके, तो नेक्स्ट लेवल सीन है यहाँ पे। तो फिलहाल अपने को जाना था गाइस कौन सी वाली गैलेक्सी के अंदर जाना था, शायद से 19 मिलियन आई थिंक पैराइज ये वाले के अंदर चल लेते शायद से, ठीक है, फिर धीरे धीरे सबके अंदर चलेंगे अपन। और वैसे ये वाला भी काफ़ी काफ़ी ओसम है यार, यहाँ पे अपने को सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा मिल जाएगा गाइस, कम ऑन 8 मिलियन आई थिंक फिलहाल के लिए ठीक रहेगा सिलिकॉन और, ठीक है 8 मिलियन चलेगा यार, मैं काम करता हूँ। फिर यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, इसको लॉक कर लेते हैं, आई थिंक 6 लाइट ईयर दूर है ये वाला। और ये वाली स्टार के अंदर ओ माई गॉड 3 आईज हैं भाई, नेक्स्ट लेवल। तो मेरे को कहाँ पे जाना है भाई, द वे आई थिंक 3 प्लैनेट्स हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट वाले देखते क्या है, फर्स्ट वाले पे भी सल्फ्यूरिक एसिड अपने मिल जाएगा, थोड़ा सिलिकॉन और कम मिलेगा। ओके, थोड़ा सा सीन है यहाँ पे खैर, दूसरे वाले देखता हूँ मैं क्या सीन है, यहाँ पे भी कम, इसलिए 1.9 मिलियन ही है, बाकी अपन जाके इजीली कंट्रोल ले सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे 5 मिलियन है, ओके, बट यहाँ पे अपने को सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मिलेगा। और इधर था क्या, नहीं इधर नहीं था, ओके नहीं यार, पहले अपन ऐसा करेंगे कि उसका थोड़ा सा सेटअप करवाएंगे सिलिकॉन का, है ना, प्लान चेंज, इधर ही जा रहा हूँ फिर मैं, ठीक है, डन लोकेशन। एंड यहाँ पे चल के देखता हूँ मैं मेरे को जाना कौन से वाले प्लैनेट पे, ठीक है। मैंने फिलहाल तो भाई मेन स्टार को लॉक करा है, तो फर्स्ट वाले देखते, फर्स्ट वाले पे क्या है, 4.5 मिलियन पड़ा हो फर्स्ट वाले पे, फिर सेकंड वाले रिंग पे आई थिंक यहाँ पे कहीं पे है, तो यहाँ पे 5 मिलियन पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे फायर आइस भी है, और ये वाले था फायर आइस, यस फायर आइस था यहाँ पे भी, और किम्बर लाइट और भी यहाँ पे। थर्ड वाले पे 10 मिलियन है, तो ऐसा करते थर्ड वाले पे चलते पहले, इसको हम लॉक करेंगे, डायरेक्शन चेंज एंड दिखाओ भाई जरा। और यहाँ पे इजी टास्क भाई, 2 ही हाइव्स है यहाँ पे अपने पास नाइस, तो जाके इजीली कंट्रोल ले लेंगे भाई अपन तो यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक लेट्स गो, देर किस बात की है, उड़ लेते भाई, ठीक है, जाने वाला हूँ मैं यहाँ से फटाफट से। चलो भाई ये गैलेक्सी है गाइस कितनी, 2 लाइट ईयर दूर, ठीक है, तो यहाँ से अपन निकलने वाले। और आस पास मेरे कोई हाइव तो नहीं है ना, मैं देख लेता हूँ एक बार घूम के, हाइव अपनी कहाँ पे, इधर की आई थिंक हाइव उधर है, और तो मेरे को कहीं नज़र नहीं आ रही, खैर पास में चल लेता वापस से मैं स्ट्रेट। ओके, वी दबा के हम लोग देख सकते हैं एक्चुअली, तो जो हाइव्स हैं अपनी यहाँ पे वो इस साइड में, ठीक है, अपने को वहाँ पे जाने का ही नहीं है। तो लेट्स गो गाइस, अभी सीन ये है कि अगर मैं कैप्स लॉक दबाऊंगा ना तो अपन जा सकते हैं रैप मोड पे, जिससे कि रफ्तार जो अपनी देख रहे हो कितनी फास्ट हो गई है, देख रहे हो 0.20 लाइट ईयर, समझ रहे हो ना,
ये तो भाई अनादर लेवल, अनादर लेवल, अनादर लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे जिस गैलेक्सी के अंदर अपन जाने वाले वो 10 AU दूर है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो चलो ऑलमोस्ट पहुँचने वाला हूँ मैं। और रैप मतलब कैप्स लॉक अपन दबाएंगे तो वापस से अपन रुक जाएंगे, ठीक है। तो अभी अपन आ चुके हैं दूसरे वाले सिस्टम के अंदर, और यहाँ से अभी अपन चलेंगे इधर, ठीक है। तो अभी सीन ये रहता है गाइस रैपिंग का, अगर अपनी वाली कौन सी वाली गैलेक्सी थी जिससे अपन आए हैं, ये वाली भाई याद भी रखना पड़ेगा। ओके एक सेकेंड, ईटा वाली गैलेक्सी थी ना अपनी, एक सेकेंड, कौन सी वाली थी भाई, बीटा, ये वाली, यस ये वाली गैलेक्सी थी अपनी, ठीक है। तो इसका नाम अपन रख लेते हैं। चलो गाइस यहाँ पे मैंने गैलेक्सी का नाम जो है ना मिल्की वे रख दिया है, अपनी जो मेन गैलेक्सी है, ताकि अपने को बाद में याद रहे कि भाई अपनी ये वाली गैलेक्सी थी जिसके अंदर अपने को जाने का था, ठीक है। तो फाइनली अपन पहुँच चुके हैं ये वाले प्लेनेट के ऊपर, और यहाँ पे दो आइस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे उतर जाते हैं, ठीक है। चलो भाई, एंड इन सब का लेवल जो 15 है, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, और स्विच टू ग्राउंड राइट, एंड आई थिंक एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पर सी प्रेस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 24 यूनिट्स हैं, ठीक है, और स्पेस में भी 24 यूनिट्स है। बाकी एक्सपेंशन के लिए अपना यहाँ पे रिसर्च जो चल रहा है, जिसको होने में थोड़ा सा टाइम है, एक सेकंड रुको भाई, ये रिसर्च होने दो ज़रा, फिर देखते हैं। थोड़ी सी रिसर्च बची बसी होने वाली है, बस कोई अटैक वटैक ना कर दे कैसे। वैसे तो मैंने खैर एक्टिवेट करके रखा हुआ है यहाँ से ना, इसलिए देख रहे हो यहाँ पर अभी काफ़ी सारी यूनिट्स और अपनी एक्सपेंड हो चुकी हैं, तो इन सब के अंदर चल के फिल करवाता हूँ। और मेरे पास ये पड़ी है ना, ये नहीं पड़ी, तो इसके अंदर ये भी फिल कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अभी यहाँ से अपन चलेंगे अटैक मोड पर, अटैक मोड पे चलेंगे, और यहाँ से इन सब को मैं एक्टिवेट करूँगा, ठीक है। ऑल्सो मेरे को यहाँ से जितने भी ये थे ना, सब के सब निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ से स्पेस में चलूँगा, और यहाँ से चल के सब को एक्टिवेट कर दूँगा, तो ये सारे के सारे इन सब को उड़ा देंगे इजीली, ईजी लाइफ, ठीक है। सब के सब डेस्ट्रॉय हो चुके हैं, आई थिंक यस। इसके चारों साइड अभी राउंड लगाना स्टार्ट कर देंगे, परफेक्ट। अभी सारी सारी हाइव्स जो है एग्रो हो चुकी हैं, ठीक है। अब मेरे को देखने का है ज़रा वो अटैक करने कहाँ पर जा रहे हैं, यूनिट्स अटैक करने आ रही है क्या, अपनी पूरी आ रही है अटैक करने। ओके लेट्स सी, तो अभी मेरे को क्या करने का है, जाने का है और इन सब पे फाइट करनी है, ठीक है। आई थिंक इन सब को मैं अटैक करेगा यहाँ से। ओ नहीं 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 वही तो नेक्स्ट लेवल है भाई, मतलब मैं तो सीधा ही अटैक कर दी भाई इन सब के ऊपर, ठीक है। ओ नो, ये पंगा ना हो जाए भाई। आई नो एक बार ही आने वाली सारी सारी यूनिट, ठीक है, एक बार आने वाली है, तो इन सबको डिस्ट्रॉय हम करेंगे आराम से। लेट्स गो, यहाँ से करो करो करो, अटैक करो अटैक करो सबको, जल्दी 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 दो डालो सबको। आई थिंक दो ही हाइज है, इसलिए मैं ज़्यादा वो सीन क्रिएट कर नहीं रहा हूँ यहाँ पे, इनको इजीली अपनी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके तो देख लेंगे अभी यहाँ पे ये यूनिट्स आ रही हैं अटैक करने, ठीक है, इन सबको दो डालो भाई जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी, नाइस। तो ये वाली हाई थी कहाँ पे भाई दबे, ओके मेरे को क्योंकि स्टेटस देखना है भाई इसका भी, ये वाली यूनिट्स कहाँ पर आ चुकी है। ओके ऑलमोस्ट आ रही है, और ये इनका तो नेक्स्ट लेवल डैमेज रहेगा आई थिंक सो। बाकी देखते हैं अपन मरेंगे या जिंदा रहेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा एग्रो कर देते हैं और वापस लड़ जाते हैं, ताकि यहाँ से यूनिट आने वाली है और उनको अपन आराम से डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, ठीक है। ओके यार स्पॉन तो नहीं होनी चाहिए अभी यूनिट्स, ओ माय गॉड, यहाँ पे स्पॉन्स तो नहीं होनी चाहिए। खैर धो डालो भाई सबको, धो डालो धो डालो, अपने वैसे स्पेस में अपने पास हैं, ठीक है, अपनी स्पेस फ्लीट्स जो अपने अपने को प्रोटेक्ट करेगी, टेंथ लेने वाली कोई बात नहीं है। चलो 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 चलो, ओ नहीं हो रहा यार, सीन हो आ गया भाई साहब नेक्स्ट लेवल। ओके गाइस तो मैं वापस से आ चुका भाई, ठीक है, वापस से आ चुका मैं लोड करके, और अभी अपन यहाँ पे चलते हैं स्विच टू स्पेस, इसको अनेबल करेंगे, ठीक है, ताकि सबके सब डिस्ट्रॉय मार दें सबको। स्विच टू ग्राउंड्स, इन सबको एक्टिवेट कर लेंगे हम लोग। बाकी अपनी जो रिसर्च चल रही थी ये वाली रिसर्च होने के बाद अपने पास और ज़्यादा ड्रोन्स आ जाएंगे। ओके तो थोड़ा सा आई थिंक अपने को वेट करना पड़ेगा यहाँ पर रिसर्च होने का। और क्या मेरे को यहाँ पे बेस बनवा लेना चाहिए, आई थिंक बनवा लेता हूँ भाई, है ना। वैसे तो अपन बिना बेस के भी अटैक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बाकी थोड़ा सा मेरे को लग रहा है मैं सेटअप कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट वाला अटैक करेंगे आई थिंक वो मैं ज़्यादा कुछ पास में चला गया था शायद से, है ना, इसलिए थोड़ा सा सीन हो गया यहाँ पर। बाकी यहाँ पर ईजी अपन ब्लू प्रिंट यहाँ पर छाप सकते हैं। आई थिंक कौन सा वाला था वो रिसर्च बैटल अब, यस पोलर स्टेशन, ये से वाला सिंपल जाके अपने को टैप मारने का। इसके ऊपर कुछ है क्या अपने पास यहाँ पर रिसोर्सेज, ओ मेरे पास ये सब नहीं था क्या, वेट, तो यहाँ पे ये सब निकालो भाई बाहर, स्टेशन भी नहीं था क्या मेरे पास, स्टेशन बाहर निकालो। इसके अलावा और कुछ चाहिए तुमको, आई डोंट थिंक, ओ मैं पावर पोल नहीं लेके आया शायद से, ठीक है।
तो चलो भाई फटाफट से बना दो ये वाले सारे के सारे। इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले, इन सबको पावर भी देने वाला हूँ मैं ना। वैसे मैंने इसके अंदर पावर ऐड नहीं करा था, राइट। तो यहाँ पे लोकल डिमांड तो नहीं होना चाहिए, खैर लोकल सप्लाई रिमोट डिमांड हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। बाकी रिमोट डिमांड में आप डाला है, मिसाइलें आनी तो चाहिए यार, खैर यहाँ पे ये आ जाएगा यहाँ पे। ओ वहाँ पे स्पेस रैपर नहीं डाला था मैंने, ओके। तो फिर ऐसा करता हूँ मैं अपनी इन्वेंट्री से डाल देता हूँ इनके अंदर रिसोर्सेस, ठीक है ना। वो ध्यान नहीं दिया यार मैंने, वहाँ पे भी स्पेस रैपर अपने को डाल के आना चाहिए था, ठीक है। सीरियसली ये तो मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, कोई बात नहीं। यहाँ पे बनाओ भाई फटाफट से, ताकि मैं यहाँ पे एटलीस्ट पावर को थोड़ा जुगाड़ करवा देता हूँ। आई होप यहाँ पे बैटरी आ जाए। ओ नो, अपने को दूसरे प्लेनेट पे भी स्पेस रैपर भेजने पड़ेंगे, तब यहाँ बैटरी आएंगी। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ से उठा के बैटरी इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, नेक्स्ट टाइम सेटअप करके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने को थोड़े से चार्जिंग डिस्चार्जिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और बस 400 यहाँ पे पड़े, 400 की जरूरत नहीं है, शायद से 200 रख देता हूँ मैं इधर, ओके। तो सबके अंदर क्या मिसाइलें पहुँच पाई है? मिसाइलें सबके अंदर नहीं पहुँच पाई है, ओ माई गॉड। मिसाइलें डालो भाई सबके अंदर। चलो अभी बस चलते हैं गाइस थोड़ा सा हिट करने। आई थिंक अपनी रिसर्च यह रेडी हो चुकी है, परफेक्ट। और मेरे को चल के इसके अंदर सेट करना पड़ेगा ये वाला, इसके अंदर ये वाला, ठीक है। एक्टिवेट एक्टिवेट, लेट्स गो। अभी किधर जाना था मेरे को ढूंढना पड़ेगा, एक्चुअली इधर जाना है ना, लेट्स गो। ओके मैं थोड़ा सा हिट कर देता हूँ इसको, ताकि वहाँ से यूनिट्स आ जाए अपनी, ठीक है। चलो 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 चलो, मैं देखता हूँ अगली बार मैं कर सकता हूँ कि बिना मिसाइलों के जरिए, ठीक है। लेट्स सी, चलो 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 चलो, दौड़ डालो भाई सबको, दौड़ डालो दौड़ डालो दौड़ डालो, ठीक है लेट्स गो। मैं थोड़ा दूर ही रुक रहा हूँ यहाँ से और इन सबको डिस्ट्रॉय करता हूँ यहाँ से, ठीक है। चलो चलो भाई वापस नहीं आने का है डूड्स, क्या मैं कंट्रोल दबा के इन सबको उधर भेज सकता हूँ? हाँ चलो भाई अटैक करो, चलो 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 चलो, दो डालता हूँ ठीक है आपकी बार। नहीं नहीं वापस नहीं आने का, वापस नहीं आने का, अटैक करने का भाई। मेन मेन, अच्छा मेन वाला यहाँ पर नहीं है क्या? अच्छा मेन वाला वहाँ पर, ठीक है। कंट्रोल दबा के भेजो इन सबको उधर, ओ नाइस। चलो मेन वाला भी अपना गया वापस से, वापस क्यों आ रहे भाई ये ड्रोन्स? धो डालो सबको, कहीं मेरे पर हिट तो नहीं होगा ना अभी? ओ नाइस, हिट नहीं होगा अभी, ठीक है। तो ये वाला पहला अपना हाई गया, परफेक्ट। लेट्स गो, आई थिंक अब तो डैमेज नहीं पड़ेगा ना मेरे ऊपर। चलो भाई, एंड वहाँ से दूसरी वाली यूनिट्स भी आने वाली क्या हिट करने? क्या वो यहाँ पे जाने वाली है? देखता हूँ मेरा बेस कहाँ गया। अच्छा यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, उसको आराम से जा के लूँगा मैं, यहाँ से हो गया अपना काम। लेट्स गो, तो यहाँ पे चल के अपने को यहाँ से पावर मिल जानी भाई, बाय द वे, ठीक है ना। तो ये भी निकाल लेता हूँ थोड़े से बाहर में, 39। चलो यहाँ से अपने को पावर मिल जाएगी खैर, बट फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से ये एक तो बनवा देता हूँ इधर, ऑल्सो एक ये वाला बनवा देता हूँ इधर, प्लस इसके बाद जो मैं एक ये और एक ये, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम डिफेंड करवा के यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। बस मेरे को ये बना के लेके जाना है कहाँ तक? ओ नो, अपोजिट साइड जाना है मेरे को, इधर साइड नहीं आने का, क्योंकि मेरे को अपना जो हब है ना वहाँ तक कनेक्ट करने का इसको, ताकि वहाँ पे भी अपनी पावर जो है ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। और वैसे भी तो अपन यहाँ पे शील्डी बनवाने वाले ना खैर, हाँ ठीक है देख लेंगे। मेरे को कहाँ पे जाना था खैर, दूसरा वाला कहाँ पे? साइड में, ठीक है। चलो 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 लेट्स गो, यहाँ पे चलते हैं। फायर 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 फायर, लेट्स गो, वापस आ जाओ। चलो भाई चलो चलो, मिसाइलों की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई अपने को यहाँ पर, ठीक है। दौड़ डालो सबको, दौड़ डालो दौड़ डालो दौड़ डालो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। मैं क्या के अंदर, वैसे मैं ये वाला एक्टिवेट कर लेता हूँ ताकि मेरे पास कोई आए ना, ठीक है। आई थिंक ये भी काफ़ी अच्छा डैमेज देते हैं, ठीक है ना। आई थिंक ये अब तो मैं इन सबको धो सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसके ऊपर ही घूम सकता हूँ अब तो मैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर बची ही नहीं अभी, ठीक है ना। सबको डिस्ट्रॉय हम कर देंगे आसानी से, लेट्स गो। तो इजीली जो प्लेनेट अपने काबू में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे दो ही हाइज थी भाई, ज़्यादा नहीं थी, बट अभी यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएंगे, ओके। चलो भाई इधर ही मेरे को डालने का गाइस इंजन एक, लेट्स गो डन। तो यहाँ जियो थर्मल वाला सेटअप मैंने यहाँ पे कर दिया, अभी अपन चल के यहाँ पे थोड़ी सी शील्ड वगैरह क्रिएट करवाने वाले, ठीक है ना। चल अब वो बताता हूँ सेटअप वगैरह अपने कैसे करना है, फिर फटाफट से वाले प्लेनेट पर अपन जो गैदरिंग वगैरह स्टार्ट करवा देंगे मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे जा रहा हूँ मैं और चल के बी दबाएंगे एंड ये वाली लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है, हाईलाइट वाली पे। इसके बाद अपने को चलना है ब्लूप्रिंट पे, और ये था
प्लेनेट डिफेंस लेआउट, ठीक है, इस पर कॉपी करेंगे अपन, इस पर लेके आएंगे, क्लिक मारेंगे, शिफ्ट एंटर कर देंगे, ठीक है, सिंपल। अपने को फिर से नेक्स्ट वाले पे चलना है, बट यहाँ पे जो है मेरे को ये विंटर बाइंस निकालनी पड़ेंगी काफ़ी ज़्यादा बाहर, एंड अपने पास सील्ड्स भी नहीं होंगी इन्वेंट्री में, तो इन्वेंट्री से सील्ड निकालनी मेरे को एटलीस्ट 20। डन, चलो अब फिर से अपन यहाँ पे आएंगे ये वाले पे और इधर की साइड में आ गए, ये था ना मेन वाला, यस, शिफ्ट एंटर, ओके, फिर आएंगे यहाँ पे शिफ्ट एंटर, आई थिंक एक और बचना चाहिए अपना, ये वाला शिफ्ट एंटर, ठीक है, नाइस। अब चल के बस अपने कुछ नहीं करने के, इन सबको चल के बनवाना है, और मैंने डाला था इन्वेंट्री में यार, लैक ऑफ आइटम क्यों आ रहा है डूड्स, 6 यहाँ पे, और ये क्या था पाया तो, अच्छा सिग्नल टावर, ओ सिग्नल टावर्स नहीं थे क्या मेरे पास, 13 आई थिंक थोड़े और निकलवा देता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बन गया ना, अब मेरे को घूमने का कुछ नहीं करने का, एक बार इसके ऊपर चल चल के घूमना सबके ऊपर, सिग्नल टावर वगैरह सब बना दो भाई फटाफट से, अपन रिसर्च वगैरह सब चल रही है, इजी आए अपने हाथ में, ठीक है ये वाला, एंड इसके बाद चल के अपन थोड़ा सा सेटअप रेडी करेंगे, जस्ट गिव मी सेकेंड, ये सब मैं टैप मार लूँगा, ठीक है रिसोर्सेज एक बार इन सबको कनेक्ट करवा देते हैं फटाफट से, ताकि शील्ड वगैरह अपनी यहाँ पर रेडी हो जाए, ताकि कोई और ना पाए यहाँ पे, मतलब समझ रहे हो तुम लोग। फाइनली गाइज यहाँ पे कंप्लीट चारों साइड की शील्ड्स वगैरह ये सब बनवा के मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया, और अभी ये सारी शील्ड्स जो है ना गाइज चार्ज होना स्टार्ट हो चुकी हैं, अभी यहाँ पे थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल अपने को यहाँ पे पावर की डिमांड बढ़ रही है, और यहाँ से क्या हो रहा है, बैटरियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं बट डिस्चार्ज क्यों नहीं पा रही, खैर अच्छा एम्प्टी बैटरी तो वापस नहीं भेजी यार मैंने, रुको एम्प्टी बैटरी तो वापस नहीं भेजी गाइज हमने, तो यहाँ से चलेंगे क्योंकि एम्प्टी बैटरी फिल हो चुकी है ना इसके अंदर, दैट्स व्हाई, इधर से थोड़ा सा लेफ्ट में घूम के, लैक ऑफ आइटम आ रहा है क्या, लेवल 2 की थोड़ी सी लाइनें चाहिए अपने को, क्योंकि एम्प्टी बैटरी भी भेजनी पड़ेगी ना, बोल मैंने ध्यान दिया नहीं, इधर से इधर एंड इधर, ठीक है ना, इसके अंदर चल के मैं एम्प्टी बैटरी का स्लॉट और डाल देता हूँ, ताकि यहाँ से हम लोग सप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे आई थिंक ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, लगभग इतना, और यहाँ पे आई थिंक 50%, ठीक है सप्लाई भी रखेंगे यहाँ पे, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से स्पेस शिप अपनी लेके जा सकती है, प्लस इधर अपने को एक स्लॉट के अंदर गाइज लेना पड़ेगा क्या, स्पेस रैपर, ठीक है यहाँ पे अपने को एटलीस्ट 400 स्पेस रैपर्स या फिर 300, ठीक है ना, 300 आई थिंक ठीक रहेगा, और इसको और भी कम कर देता हूँ, 20% कर देता हूँ, रिमोट डिमांड कर लेंगे हम लोग, ताकि यहाँ पे स्पेस रैपर और आ जाए अपने, ठीक है ना, तो यहाँ से 31 के अंदर फिल हो जाएंगे, और प्लस जहाँ जहाँ पे भी अपने को जरूरत पड़ेगी उन सब के अंदर फिल हो जाएगा, तो ये रहेगा अपना यहाँ पे डिफेंस, ठीक है ना। अभी अपन चलते गाइस, जितनी भी अपने पास हाई थी ना 2, उन सब के पावर जो इसके अंदर कनेक्ट कर देते, ताकि यहाँ पे सील्ड्स वगैरह बनना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि पावर की मेरे को लग रहा है कमी पड़ेगी यहाँ पे, तो देख लेता हूँ मैं ज़रा कहाँ पे थे वो, अच्छा इस साइड में थे, और मैं कहाँ पे हूँ यहाँ पे, मेरे को इधर जाना पड़ेगा, लेट्स गो, वहाँ पे चल के एक बार जनरेटर्स बनवा के और ये ग्रिड के अंदर कनेक्ट कर देता हूँ मैं। चलो यहाँ पे अपना जनरेटर बना हुआ है, सिंपल पोल्स कनेक्ट करने के अपने को यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ज़रा, और यहाँ पे चल के एक तो मेरे को ये वाला स्टेशन यहाँ पर देना, इनकेस इसके आसपास कुछ आया तो एटलीस्ट ये प्रोटेक्ट हो पाए, ठीक है 2 ये स्टेशन यहाँ पे डाल के छोड़ देता हूँ, सिंपल टास्क। बाकी यहाँ से पावर पोल के जरिए मैं इसको ना ये वाले गेट के अंदर कनेक्ट कर दूँगा, डन, ताकि इसकी पावर जो अपन यूज़ कर पाएँ, राइट, और भी होगा गाइज एक यहाँ पे कहीं पे, जो कि पता नहीं मैंने कनेक्ट कराया कि नहीं उधर की साइड में, लेट्स सी, इसको एक काम करो डिलीट करो, ये वाला भी डिलीट करो, बस अपने को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, एक ही पोल डालना है बीच में, और अपने ये वाले ग्रिड से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एफिशिएंसी यू नो अपनी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे फिलहाल, मतलब कि 42% है, बट ये फिक्स हो जाएगी, क्योंकि अभी सीन ये हो रहा है गाइस कि यहाँ पे ना शील्ड्स वगैरह चार्ज होना स्टार्ट हो रही हैं, जितनी अपनी शील्ड्स हैं इनके पास इतना पावर नहीं है अभी तक, और इनको टाइम लगेगा थोड़ा सा चार्ज होने में, तब तक अपन ऐसा करते हैं कि यहाँ पे चल के हब वगैरह का सेटअप कर लेते हैं, तो हब बेसिकली अपना रहेगा अपोजिट साइड में यहाँ पे, तो वहाँ पे अपना डिफेंस के लिए हो गया, यहाँ पे अपना हो जाएगा जहाँ से अपन रिसोर्सेज वगैरह ट्रांसफ़र करने वाले हैं, तो एक स्टेशन अपने को यहाँ पे चाहिए, तो इधर बनवाते हैं, लेट्स गो, इसको अपन देंगे गाइस पावर, तो पावर अपनी आ जाएगी जहाँ पे कहीं पे, डन, एंड एक इधर ये भी दे देता हूँ ताकि ये सबको कनेक्ट कर लेगा इधर उधर करके, डन, इतना सेट अपने यहाँ पे हो चुका है। बाकी इसके अंदर शिफ्ट डालेंगे हम लोग, ड्रोन्स डालेंगे, ड्रोन्स नहीं है मेरे पास, तो ड्रोन्स में निकालो थोड़े से बाहर, 100 ड्रोन डाल देता हूँ इसके अंदर, क्योंकि यही जाके कलेक्ट करके आने वाले बस, तो यहाँ पे चलते हैं, जहाँ से सेलेक्ट मारेंगे और 100, ठीक है 100 करेंगे यहाँ पे, लोकल डिमांड करेंगे, तो यहाँ पे भी स्पेस रैपर आ जाएंगे, तो शिप्स के अंदर यहाँ से यूज़ हो पाएंगे, ठीक है परफेक्ट, थोड़ी देर में चार्ज हो जाएगा। दूसरा अपने को यहाँ से क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए फिलहाल, सिलिकॉन ओर, ठीक है सिलिकॉन ओर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और क्या रिसोर्सेज ये वाले प्लेनेट पे, ये वाले प्लेनेट पे अपने को मिल जाएगा गाइस आयरन ओर भी मिल जाएगा, ठीक है
आयरन ओर भी डाल देता हूँ, आई थिंक कॉपर भी डाल देता हूँ, एक ही हब आई थिंक इनफ रहेगा। ठीक है, आयरन ओर एंड कॉपर भी बड़ा, कॉपर गैदर करवा लेंगे यहाँ से, थोड़ा बहुत कोल होगा मे बी। क्या यहाँ पर टाइटेनियम है? टाइटेनियम भी है यहाँ पे, ठीक है टाइटेनियम उठवा लेंगे हम लोग यहाँ से। यहाँ पे चल के डाल देता हूँ गाइस टाइटेनियम, लेट्स गो। सारा सामान यहाँ पर डाल दिया है, लोकल डिमांड करेंगे सब कुछ, लोकल डिमांड। ठीक है लोकल लोकल डन, लेट्स गो। अभी चलते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा। अभी यहाँ पे चल के मेरे को देखनी गई वीन्स यहाँ पे सारी सारी, तो यहाँ से जरा के सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग वीन्स। तो अभी मैं हूँ कहाँ पे, यहाँ पे तो जस्ट एक वीन यहाँ पे पड़ी हुई, दो वीन्स पड़ी हुई यहाँ पे, ठीक है, जिनके अंदर काफ़ी सारे रिसोर्सेज है। लेट्स गो भाई फाइनली, तो यहाँ से हम लोग सेंड कर पाएंगे अपनी गैलेक्सी के अंदर। तो यहाँ पे चल के मैं बनवा देता हूँ गाइस इधर कंप्लीट, ये सारा का सारा कनेक्ट हो जाएगा क्या? नाइस, एक पिन छूट रही है गाइस। ठीक है, ये सारा का सारा ले लिया मैंने इसके अंदर, लेट्स गो। एक मशीन यहाँ पर डाल दिया और इसके अंदर चल के अभी कनेक्ट करने वाले गाइस पावर, तो यहाँ से आ जाएगी अपनी पावर, कनेक्ट है, नाइस। थोड़ी सी पावर कमी है यहाँ पे बट ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से चल के मैं इसको 300 पे कर दूंगा, जब भी यहाँ पे इनफ पावर आएगी ना तो यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस यहाँ से देख रहे हैं अभी ड्रोन्स आने स्टार्ट हो चुके हैं वहाँ से, और इसके अंदर से सीधा लेके जाएंगे ड्रोन्स, अपने कुछ नहीं करने का, सिंपल से यहाँ से ड्रोन लेके जाएंगे, नथिंग, अपने को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे भी चलेंगे अपन, ओके, और ज़्यादा आ सकते क्या? चलो ठीक, इतने बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक इधर भी देंगे, प्लस इसके बीच में आई थिंक एक ये दे देता हूँ, डन। और वैसे तो यार यहाँ पे मैं विंड टर्बाइन्स भी बनवा सकता हूँ, विंड फार्म भी बनवा सकते हैं अपन यहाँ पे, अगर अपने को एक्स्ट्रा पावर यू नो खर्च नहीं करनी है तो। चलो गाइस, मैंने यहाँ थोड़ी सी विंड टर्बाइन्स डलवाई तो है, ज़्यादा तो नहीं कह रही है बट थोड़ा सा अपना आई थिंक काम चल जाएगा, ओके। बाकी यहाँ पे भी एक वीन पड़ी हुई है जिसके अंदर काफ़ी सारा सिलिकॉन और है, तो यहाँ पे चल के अपन ये डलवा देते हैं, ये वाली मशीन एक, जो कि आई थिंक सबको कनेक्ट कर लेगी एक बार में ही, ठीक है डन। चलो इसको देते हैं पावर पोल, यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ से जो है रिसोर्स कलेक्ट करना स्टार्ट, 300 पे कर देते हैं इसको ऑल्सो। चलो भाई अब देखते हैं सील्स वगैरह अपनी कितनी बन चुकी है यहाँ पे, और नई सील्स वगैरह भी बनने स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे सील्स वगैरह इनफ हो जाएगी ना, उसके बाद बहुत पावर रहेगी अपने पास, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो अभी मैं चल के फटाफट से जितना भी रिसोर्सेज मेरे को दिख रहे हैं सारा का सारा हम लोग यहाँ से उठाने वाले हैं। तो चलो भाई, वैसे यहाँ से अपन चाहें तो दो मशीनें भी डलवा सकते हैं, एक इधर से ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आई थिंक कुछ एक वीन्स बच गई थी ना, ऐसे भी डलवा सकते हैं हम लोग, बट कोई फ़ायदा नहीं उसको डलवाने का, ऐसे रख लेते हैं। अगर मैं इधर ये डाल दूँ 3 पे, ओके इसको रोटेट, क्योंकि 3 पे वैसे कनेक्ट नहीं होगा कुछ। तो अगर मैं यहाँ पर ये डाल दूँ तो क्या ये यहाँ से यहाँ पर जा पाएगा? इसको पावर प्लस ग्रिड कहाँ पे साइड में ही है, प्लस एक यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, प्लस एक यहाँ पे। चलो भाई दिखाओ ज़रा, लेट्स सी, ओ नाइस, इसके अंदर फिल कर सकते हैं हम लोग, 300 पे करो भाई इसको भी, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा बच गया, तो इसके अंदर मैंने ऐसे सेट कर दिया। चलो बाजू में ज़रा आयरन पड़ा हुआ था, आयरन को भी अपन गैदर करवाएंगे भाई, ईजी लाइफ, ओके गाइस। तो मेरे हिसाब से मैंने ज़्यादातर लगभग नोड्स जो है गैदर करवा लिए, एक बार फिर से भी मैं डबल चेक मार लूँगा अगर मेरे को कोई देखता है बिना टैप वाला तो। मेरे को फ़िलहाल आई थिंक एक यहाँ पे दिख रहा है ये वाले आपके पास में, इसके अलावा तो कहीं पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। स्टोन पड़ा हुआ है अपने पास, ठीक है, जो कि क्या लगता है स्टोन अपने गैदर करवा लेना चाहिए क्या? तो मे बी क्या पता ज़रूरत पड़ जाए अपने को राइट स्टोन की, कोई ना फिलहाल के डलवा देता हूँ, एक काम करते हैं ऐसा करते हैं, स्टोन डलवा लेता हूँ मैं, इधर डाल दो, इधर डाल दो इसको भी 300 पे, ठीक है नाइस। इसी को कॉपी मार के इधर डालते हैं, इधर एक इसके बाजू में, प्लस एक पोल यहाँ पे 300 पे, नाइस। दो ये गैदर हो चुके अपने, ठीक है परफेक्ट, एक और बचा हुआ शायद से यहाँ पर, इसको भी चलते इधर डाल दो भाई, और इसके लिए पावर पोल 300 रफ्तार। चलो भाई ये लो यहाँ का टास्क हुआ डन, आई थिंक स्टोन का वो डालने वाला था शायद से, मैं दिखता है तो मैं कोई डालता हूँ स्टोन का भी, मेरे आजू बाजू कहीं भी कुछ पड़ा हुआ स्टोन का? ये वाले गेट के अंदर स्टोन का कुछ नहीं है, नेक्स्ट वाले के अंदर दो विंस थी जो मैंने डलवा दिए हैं, और कुछ बचा है नेक्स्ट वाले गेट के अंदर? नहीं। उसके बाद थर्ड वाले के अंदर चलते, हाँ इधर से ये डलवा के आता हूँ मैं दो,
ऑल्सो यहाँ पे सबसे अट्रा ठीक है, स्टोन का मैं कर देता हूँ गाइज ठीक है, फिर बार बार अपने यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा। सो गाइज यहाँ पे फाइनली मैंने सारा का सारा रिसोर्सेज है भाई वो एकदम कलेक्ट करवा लिया। अभी मेरे को तो कोई नोट दिख नहीं रहा भाई, गलती से छूट गया तो पता नहीं भाई, मैंने डबल चेक मार लिया यहाँ से सारे के सारे नोट्स मैंने गैदर कर लिए ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। तो अपने जो स्टोन और कोल है भाई ठीक है, दो चीज़ें जो अभी तक अपन ने सेट नहीं करी हैं सेंड करने के लिए, तो मेरे क्या करना पड़ेगा, एक स्टेशन और लेना पड़ेगा बाजू में ही, इसको भी अपन चल के देंगे इस पावर। ऑल्सो यहाँ पे भी चल के अपन स्पेस रैपर डालेंगे जो कि 100 ही दूंगा मैं, लोकल डिमांड कर लूँगा यहाँ पे, 140 आएगा कोई दिक्कत नहीं है। 10 चिप्स इसको देंगे, ड्रोन्स देंगे इसको, प्लस यहाँ पे चल के मैं सेट करूँगा गाइज एक तो स्टोन, दूसरा देंगे अपन इसको कोल ठीक है। ये दो प्रोडक्ट अपने बच गए थे, लोकल डिमांड कर लेंगे ताकि यहाँ पर रिसोर्सेज आ जाएगा इजीली, एंड यहाँ से फिर अपन जहाँ पे भी रिमोट सप्लाई करना चाहे वहाँ पे जा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के ठीक है। थोड़ी देर बस स्पेस रैपर आता होगा यहाँ पे, बाकी ये वाले पे ना काफ़ी ज़्यादा जो है मिसाइलें आ गई थी यहाँ पे, तो फिर मेरे को निकलवानी पड़ी। अभी भी यहाँ पे देख रहे हो 3800 पड़ी है मिसाइलें, वैसे इन सब का कोई काम नहीं है मिसाइलों का, और मैंने हप्पे गलती से चेंज करा नहीं और यहाँ पे ज़्यादा मिसाइल लगी, तो मैंने इन्वेंटरी में डाल ली कुछ एक यहाँ पे फिल कर लिए हैं, चलो देखते हैं। बाकी यहाँ पे अपने पास बैटरियाँ पड़ी हुई हैं, काफ़ी सारी ड्रोड्स पड़ी हुई है ठीक है, आई थिंक हो जाएगा थोड़े टाइम में अपना जुगाड़ यहाँ पे। एफिशिएंसी आई नो अभी यहाँ पे कम चल रही है, कंजप्शन डिमांड यहाँ पे 880 है, क्योंकि यहाँ पे शील्ड्स वगैरह ना गए अपने पास, दैट्स वाई। तो ये देखो अभी शील्ड्स वगैरह चार्ज होने स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी यहाँ पे एकदम सब कुछ सीन अपना रेडी हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है यहाँ से। तो अभी अपन चल सकते गाइज वापस से अपने मेन प्लेनेट पे, और मे बी नेक्स्ट टाइम अपन इन सबको भी हिट करने वाले, जैसे कि फायर आइस है गाइज यहाँ पे, जी वाले प्लेनेट पे फायर आइस, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है भाई ठीक है, तो इन सबको अपन यू नो हब वगैरह बना के और तभी डिस्ट्रॉय करेंगे ठीक है। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड आई थिंक, या फिर अपन सीधा भी यहाँ से जा सकते पता है कहाँ पर। ये देखो गाइज अपनी स्पेस शिप अभी आ रही है, देखो कितनी रफ्तार से ये सब की सब जो है स्पेस रैपर यूज़ कर रही है ठीक है। इन सब की रफ्तार देखना तुम लोग, यहाँ से अगर कोई निकलेगी तो मैं तुमको दिखाता हूँ। आई नो ये लैंड होने जा रही है यहाँ पे ठीक है, ये देखो भाई ये देखो कितनी रफ्तार से आई है जस्ट एकदम से टक। अब ये देखो जाने वाली जो देखना थोड़ी देर में, ये रफ्तार देखो भाई स्पेस रैपर यूज़ कर रही है ठीक है, सारी सारी मशीन है, सारी सारी मशीन स्पेस रैपर यूज़ करने वाली है जितनी भी जा रही है ना यहाँ से। अभी जस्ट एक निकली है, इसकी रफ्तार देखना जाने वाली है, गायब होने वाली थोड़ी देर में ठीक है। ये देखो भाई ये जबरदस्त सीन भाई ये ठीक है, तो ये काफ़ी फास्ट चली जाती है ठीक है, सीधा यहाँ से और अपनी गैलेक्सी पे पहुँच जाएंगे ठीक है इंस्टेंट भाई, फुल रफ्तार से। थोड़ा दूर देखेंगे ना तो यहाँ से दिखेगा, हाँ तो देख रहे हो अब मैं काफ़ी दूर है ना तो अपने को एकदम स्लो दिख रहा है, लेकिन अगर मैं पास जाऊँगा तो बहुत ही फास्ट है ठीक है ना, एकदम फास्ट है ये वाला। ये मैं दूर चला गया हूँ इसलिए थोड़ा ऐसा दिख रहा है कि स्लो स्लो चल रहा है, अदरवाइज ये बहुत फास्ट है ठीक है। कर मैं यहाँ पे चलूँ तो देखते हैं, ये वाली आ रही थी ना शायद से, यस आई थिंक नहीं हाँ यही आ रहे थे ठीक है। ये देखो भाई इसकी रफ्तार देखो कितनी फास्ट है, एक्चुअली हम लोग ज़्यादा दूर इसलिए वो स्लो स्लो दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में बहुत फास्ट है वो ठीक है, नेक्स्ट लेवल। तो चलो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मेरे को देखना है बाजू में ये है 5 लाइट ईयर दूर, ये है 3 लाइट ईयर दूर, बाकी यहाँ पे क्रूड ऑयल है गाइज अपने पास, फायर आइस भी है यहाँ पे, स्टोन ठीक है, बट मेरे को लग रहा है यहाँ पे जाना चाहिए क्योंकि यार यहाँ पे काफ़ी औसम औसम रिसोर्सेज अपने पास, क्रूड ऑयल भी है यहाँ पे। खैर वो कहाँ चला गया जिसके अंदर, ओ ये रहा, ये वाले के अंदर चलेंगे इस नेक्स्ट टाइम ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपने को नॉर्मल रिसोर्सेज भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे चलेंगे अपन नेक्स्ट टाइम। बाकी फ़िलहाल अपन जाने वाले अपनी मेन वाली गैलेक्सी पे यहाँ पे ठीक है ना, और वहाँ पे चल के जो भी चीज़ों का सेटअप बचा था वो देखेंगे हम लोग। बाकी इसको डिसेबल कर देता हूँ मैं यहाँ से, लेट्स गो, यहाँ पे सब सेट है, बस पावर का थोड़ा सीन है वो हो जाएगा सेट, और यहाँ पे देख लो रिसोर्सेज आने स्टार्ट हो चुके हैं ठीक है। इनके अंदर जो 100 ड्रोन्स हैं ना अपने, ये ही 200 ड्रोन्स मिल के पूरे प्लेनेट का रिसोर्सेज गैदर करेंगे आराम से, इजी लाइफ। और ये वाले प्लेनेट पे कोई गैस जाइंट प्लेनेट है, मतलब ये वाली गैलेक्सी के अंदर कुछ गैस जाइंट है यहाँ पे आसपास, ये पर डबल चेक मार लेता हूँ, इधर नहीं है, और सेकंड वाली रेडियस पे ना, इधर कोई गैस जाइंट प्लेनेट है नहीं गाइस ये वाले सिस्टम में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वहाँ पे हाइव्स वगैरह अभी बनना स्टार्ट हो चुकी है नेक्स्ट लेवल वाले, कोई ना डिस्ट्रॉय कर लेंगे सबको। अभी हम जाने वाले वापस अपनी गैलेक्सी के अंदर, सो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, तो भाई 2 लाइट ईयर दूर है ठीक है, अगर मैं यहाँ से चलने लगा ठीक है तो देख लो भाई कितना टाइम लगने वाला है वहाँ तक पहुँचने में, नेक्स्ट लेवल। ओके बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे तो अपन पहुँच नहीं पाएंगे, 737 माइल्स पर सेकेंड की रफ्तार से अपन लोग जा रहे हैं, लेकिन अभी अपन जाने वाले क्रूज मोड के अंदर, जिससे कि रफ्तार अपनी देखो कितनी इंक्रीज होने वाली है भाई, और ये 0.25 लाइट ईयर तक हम पहुँच चुके हैं। ओके नेक्स्ट लेवल भाई, रफ्तार तो नेक्स्ट लेवल है, चलो भाई
एंड रियली में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है यहाँ पे पहुँचने में। अगर मैं स्पेस रैपर का यूज़ नहीं करूँगा ना तो मेरे को महीनों लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचने में, ठीक है, इन एक्चुअल में गेम में। ओके तो 0.20, 20, 30, ओह मैं ज़्यादा आगे निकल आया क्या? येस आई थिंक मेरे को वापस जाना पड़ेगा। लेट्स गो, वापस चलते। कौन सी वाली गैलेक्सी थी अपनी एक्चुअली? डूड्स हाइवे के पास जा रहा हूँ क्या मैं? रुको, वही बात है। एंड नेक्स्ट टाइम से अपन स्टार के ऊपर ही लॉक करेंगे अपने पे। इधर जाना है मेरे को भाई, उधर घूम ले, लेट्स गो। इधर तो अपन वैसे चले चलते हैं, इधर के लिए भी स्पेस रैपर यूज़ करना वेस्ट हो जाएगा। खाम मगा स्पेस रैपर, ठीक है। चलो मैं फुल रफ्तार बढ़ा देता हूँ, आई थिंक 2000 पे अभी तो मैं जा ही सकता हूँ क्योंकि अपने पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है और अभी अपन चार्जिंग भी काफ़ी फास्ट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। सो लेट्स गो। एंड आई थिंक रफ्तार स्लो। यहाँ से जो मशीनें जा रही ना अपनी, वो अगर स्पेस रैपर यूज़ करती है तो मैं तुमको दिखाता हूँ। नहीं ये इधर ही जाने वाली है, कोई अगर स्पेस रैपर यूज़ कर रही है तो देखो फ्लैश होगा अगर कोई यूज़ करेगी तो स्पेस रैपर, ठीक है। यहाँ से मैं काम करता हूँ, इधर ही गोल गोल घूमने लगता हूँ, ठीक है। देखते हैं कौन सी वाली जाने वाली, दूसरी गैलेक्सी के अंदर ऐसे नहीं दिखेगा क्या? इधर आ जाते, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पर मैं डिमांड कर रहा हूँ क्या रिसोर्सेज? एक सेकेंड, इधर यहाँ पे नहीं कर रहे हम लोग, यहाँ पे इंगट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आई थिंक मैंने यहाँ पे कहीं पे सेटअप नहीं करा है ना, ठीक है ना, क्रिस्टल सिलिकन का। हाँ ओके, तो क्रिस्टल सिलिकन का अपन क्या करने वाले हैं कि ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट वाले एपिसोड में, ठीक है, अपन करेंगे अपने सेकंड वाले प्लेनेट पे भाई, इधर थोड़ी जे वाले पे करेंगे। तो यहाँ पे मैसिव फैक्ट्री बनाने वाले हम लोग, ठीक है ना, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अपन ने अभी तक कुछ बनवाया नहीं है और वो मैंने छोड़ा हुआ था, वहाँ पे अभी हैवी ब्लू प्रिंट वगैरह अपने बनने वाले हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि हाँ उसी पे चलते हैं, नहीं उसी पे नहीं चलते, एक सेकंड, मेरे को मिसाइलों का देखना था ना, मिसाइलें वहाँ पे नहीं पहुँच पाई थी लास्ट टाइम, बट पहुँच गई थी किसी तरह से, वो मेरे को पता नहीं कैसे पहुँची भाई। अभी याद आया मेरे को, शायद से पहुँची होंगी मे बी जे वाले हब से, शायद से, क्या पता, नहीं रिमोट स्टोरेज करा हुआ खैर मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर 1000 है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे कहाँ पे मैं डलवाया था, चेक करना पड़ेगा मेरे को, डबल यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ मिसाइलों को यहाँ पे डालता हूँ, ये वाली मिसाइल इधर सप्लाई पे, ठीक है। आई थिंक 9000, थैंक यू। ये सारी मिसाइल उठा के इसके अंदर डाल देता हूँ मैं, मेरे पास पड़ी एक्स्ट्रा। अभी यहाँ पे कहीं भी हम लोग मिसाइलें बना रहे होंगे, ठीक है, हब के इधर कहीं पे बना रहे हैं हम लोग। उधर भी चल के मैं सिस्टम चेंज कर देता हूँ कि अपने को जो सेंड करने है ना गाइस वहाँ से करने का, और आई थिंक वहाँ पे मेरे को चल के डिमांड मारना पड़ेगा। एक सेकंड दो मेरे को ज़रा, जी वाला डाला हुआ ना मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने सप्लाई डाला हुआ है, ठीक है। तो अपन इसका करेंगे, यहाँ पर स्टोरेज करेंगे, इसको भी स्टोरेज करेंगे, ठीक है, दोनों की स्टोरेज यहाँ पर कर देंगे, क्योंकि अपने को यहाँ से नहीं सेंड करने का दूसरे प्लैनेट पर। अपन जो सेंड करवाने वाले वो है यहाँ से कहीं से, ठीक है ना, यही था ना, ना ये तो नहीं था, ये वाला, यस। तो जैसे कि यहाँ पे अपन चल के लोकल डिमांड करेंगे और यहाँ से रिमोट सप्लाई अपनी हो जाएगी। ऑल्सो इसके अंदर अपन स्पेस रैपर डाला हुआ है तो मेरे को ये वाले सेल्स भी यहाँ पे चाहिए। 9000 रिमोट नहीं, लोकल डिमांड, ठीक है ना, ये चेंजेस मेरे को यहाँ पे करना था। यहाँ पे ये सब डलवाया मैंने, इसके अंदर नहीं डलवा सकता मैं, हाँ यहाँ पे ले लेता हूँ। फिर मैं ऐसा करता हूँ कोल्ड टेम्परेरी कोल्ड डाल देता हूँ इधर, और यहाँ पे चल के मैं कर देता हूँ गाइज मे बी 5000 डिमांड, 5000 डाल दिया मैंने फिलहाल के लिए यहाँ पे। एंड टेम्परेरी इधर ऐसा करते हैं कि आयरन ओर भी मंगवा लेता हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं 5000 ही मंगवा लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको भी रिमोट डिमांड कर लेंगे, एंड आई थिंक कॉपर ही मंगवा लेता हूँ यहाँ पे 5000, कॉपर भी अपन रिमोट डिमांड कर लेंगे। इसके अलावा टाइटेनियम वगैरह से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है अपने को, कोल मैंने मंगवा लिया, बारी स्टोन की है तो कोई ना, स्टोन पता नहीं वैसे ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं, फिलहाल तो ज़रूरत नहीं है तो फिलहाल छोड़ दे रहा हूँ मैं यहाँ। चलिए तो रिसोर्स अपना यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से फिर डिमांड लोकली सप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इतना टास्क कर लेते हैं। तो आई थिंक गाइस आज का एपिसोड अपन इधर ही एंड करने वाले, और मे बी नेक्स्ट एपिसोड आएगा तब तक अपनी ये वाली रिसर्च भी हो जाएगी। ऑल्सो अपने को स्विच टू स्पेस पर चल के, और सॉरी यहाँ पे चलना था ना, यस ये वाली यूनिट को एक्टिवेट करना करने का था अपने को। तो यहाँ पे चल के मैं
ये वाला कर लेता हूँ ताकि अपने पास 36 मशीनें आ जाए। ठीक, सबको अनेबल कर लो भाई, 36 की 36 एंड यहाँ भी सारी सारी अनेबल अपने। ठीक है, नाइस। तो कोई दिक्कत होगी तो देख लेंगे। और जल्दी गाइस नेक्स्ट वाली रिसर्च आएगी ना अपने, तब अपन जे वाली यूनिट को भी मतलब करवाएंगे, टेक्नोलॉजीज की भी रिसर्च करवाएंगे। कौन सी वाली थी वो? जे वाली एंड बाकी सब रिसर्च। तो मैं काम करता हूँ, इसको भी ऐसा करते ना, क्यों में डाल देता हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला अपना आएगा ना, तब तक मैं ऐसा करूँगा कि थोड़ा ऑफलाइन बना दूंगा इसके लिए, थोड़ी सी मशीनें बना दूंगा इसके लिए। ठीक है, आई थिंक ज़बरदस्त होना चाहिए। बाकी यहाँ पे अपने पास कब से डेस्ट्रॉयर भी आ जाएंगे, तो फिर ऐसा करेंगे ना अपन यार, थोड़ा फाइट लेने का ट्राई करेंगे। ठीक है, डार्क बॉक्स से आई थिंक मेन वाली हाइव से पंगा लेंगे, क्या बोलते हो? रिसर्च करके ये सब हाइव को डेस्ट्रॉय करने का ट्राई करेंगे हम लोग। ओके, देखी जाएगी, देखी जाएगी। ओके, और यहाँ पे ये देखो भाई साहब, नेक्स्ट लेवल मशीन है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो भाई, अलग अलग एक्सिस पे जो है घूम रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो, आई होप सो कि आपको आज का एपिसोड पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर, और हम लोग जल्दी मिलेंगे जी नेक्स्ट वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड इन्जॉय।